नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, शेरों का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जंगल का सबसे खूंखार और ताकतवर जानवर नज़र आता है, जिसकी दहाड़ से दूसरे जानवरों का पसीना छूटने लगता है, जिसकी तुलना प्राचीन समय के डायनासोरों से किया जाता है, जिसकी भय से पूरा जंगल भयभीत हो जाता था। उसी प्रकार से वर्तमान में पूरा जंगल शेरों से भयभीत हो जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी शेरों को अन्य जानवरों को दूसरे खूंखार शिकारियों से बचाते हुए देखा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे शेरों को जिन्होंने दया में आकर दूसरे जानवरों के छोटे बच्चों को कैसे बचाते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल जीके ज्ञान हिंदी टीवी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। नंबर 1, लायन शेप्स विपिकाल्फ। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी शेर को गाय के बछड़े को बचाते हुए देखा है। दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, एक बछड़ा सुनसान इलाके में अकेले घूम रहा है। तब तक एक शेर पीछे की ओर से देखकर उस बछड़े की ओर तेजी से भागने लगता है। उसका पीछा करते हुए एक स्थान पर रुक जाता है। और उसके साथ खेलने लगता है, जैसे कि मानो आपस में कोई घनिष्ठ मित्रता हो। तब तक वहीं दूसरा शेर खड़ा होकर देखता है और धीरे धीरे आगे बढ़कर ये सोचता है कि आज तो बहुत बढ़िया शिकार मिला हुआ है। वह तेजी से दौड़कर उसकी ओर शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। तब तक वहीं दूसरा शेर उस बछड़े की सुरक्षा करते हुए अपने मुंह से उस बछड़े की गर्दन को पकड़कर दूसरे स्थान पर ले जाता है। और दूसरा शेर अपने शिकारी का इंतजार करते हुए वहां से लौट जाता है। नंबर 2, लायन शेर्स न्यू बॉर्न इंपाला। दोस्तों, इस वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हैं, एक मादा इंपाला अपने नवजात बच्चे को जन्म देकर उसकी देखभाल कर रही होती है। तब तक वहां छिपा एक तेंदुआ अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ते हुए वह उस मादा इंपाला को भगाकर उस बच्चे के पास पहुंच जाता है। और उसे अपने जबड़े से बच्चे के गर्दन को दबोचे हुए एक ऊंची चट्टान की पहाड़ी पर ले जाता है। तब तक वहां बैठे दूसरे शेर ने उस इंपाले के बच्चे को बचाते हुए एक दूसरे स्थान पर ले आता है और उस इंपाला बच्चे को बचा लेता है। नंबर 3, लायन सेव्स अ बेबी डियर। दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, एक हिरन का छोटा सा बच्चा अपने झुंड में खेल रहा होता है। तब तक वहां घात लगाए बैठे एक शिकारी चीता उसको दौड़ाकर उसे पकड़ लेता है। उसे गर्दन में दबोचे एक दूसरे स्थान पर ले आता है। और उसके साथ अन्य चीते भी भोजन की तलाश में वहां आते हैं। तब तक वहां एक घूमता शेर उस बच्चे हिरन को देखकर उसे दया आ जाती है।
शिकारी चीतों को भगाकर उस बच्चे हिरन को बचा लेता है और उसे अपने गर्दन में पकड़कर एक दूसरे जगह पर ले आता है और उसके साथ खेलने लगता है। नंबर 4, लायन एंड बेबी बबून फ्रेंडशिप। दोस्तों, यह कहानी है एक शेर और बेबी बबून के दोस्ती की, जो दो फोटोग्राफर इवान सिलर और लीसा द्वारा लिया गया था। झाड़ियों में बसे इन बबून के दल, जहां 30 से 40 बच्चे एक साथ आपस में खेल रहे होते हैं, तब वहां घूमती हुई एक शेरनी उन बबून के झुंडों में आ जाती है और वह बबूनों का झुंड घबरा जाता है और एक मादा बबून अपने बच्चे के साथ पेड़ से टकराकर वहां गिर जाती है और शेरनी दौड़ते हुए उस बच्चे सहित मादा बबून को अपने जबड़े में कसकर पकड़ लेती है और वह मादा बबून भयभीत होकर मर जाती है। लेकिन शेरनी को यह नहीं पता था कि उसके नीचे एक छोटा सा बच्चा भी है। जब वह शेरनी उस छोटे बेबी बबून को देखा तो वह उस पर दया खाकर उसके साथ खेलने लगी और दुलारने लगी और थोड़ी देर बाद वह उस पेड़ के पास चली गई जहां पर उसने शिकार किया था। लेकिन वहां पर मौजूद दो शेरों को देखकर शेरनी विचलित हो जाती है कि शेर उस बेबी बबून की ओर पहुंचते तब तक वह शेरनी आक्रामक होकर उन दो शेरों को वहां से भगा देती है। देखते ही देखते वह छोटा बाबून वहां से उठकर अपनी टुकड़ी के बचे एक नर बाबून के पास झट से चला जाता है। लेकिन उस पेड़ पर बैठे वह नर बाबून उस बेबी बाबून को बचाने के इरादे से काफी देर से बैठे हुए था और अंत में वह उसे बचाने में कामयाब हो जाता है और वह छोटा बेबी बाबून अपने परिवार में फिर से शामिल हो जाता है। दोस्तों, भगवान ने इस धरती पर सभी जीवों के अंदर दया भावना और प्रेम को शामिल किया हुआ है, चाहे वह अपने से छोटा हो या अपने से बड़ा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल जीके ज्ञान हिंदी टीवी को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।